हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस थे, कंसिस्टेंसी है, कहाँ पे पैरेलल लाइंस आ रहा है, कहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, ग्राफ के थ्रू बना लिया हम लोगों ने, कोइंसिडेंट लाइंस आ रही है, सारा चीज़ हमने पढ़ लिया। लास्ट वीडियोस आप लोग रिफ़र कर लीजिए, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस जितने तरीके से दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी बता दिया। सारे टफ क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, वो सारे भी करा दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम में। तो आज हम सिर्फ दो टॉपिक कवर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम की बहुत सारी वैरायटी होती है। ये क्लास टेंथ में ही जरूरी नहीं है, अगर आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव में भी जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकरने जा रहे हैं वो है बेस्ड ऑन नंबर्स एंड बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ये जो बेस्ड ऑन नंबर्स और फ्रैक्शंस जो दो टॉपिक हैं, व्हेन यू गो फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देयर ऑल्सो इट कम्स। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट इन अर नंबर्स, इन द सॉल्यूशंस। ओके, तो नंबर क्या होता है? जब हम नंबर कहते हैं तो नंबर क्या होता है? यूनिट प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है, हंड्रेड प्लेस होता है, हमको पता है सारे नंबर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, अब लिखते कैसे? जैसे कोई नंबर है, मान लो उसको दो वेरिएबल में लिख रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगी? अगर मान ली मेरे पास 21 है, 21 है, तो 21 को क्या लिखेंगे अपन? दो वेरिएबल बनाना है, 20+1। ठीक है, या इसको हम और क्या लिखेंगे? 2×10+1। ओके, नाउ आई एम हैविंग टू वेरिएबल, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, बिकॉज 10 इज फिक्स्ड, 10 तो फिक्स्ड रहेगा। अगर मैं 21 तो 10th प्लेस हो गया एंड 10 विल बी फिक्स्ड, तो वेरिएबल विल बी 2 and 1, इट कैन बिकम 31, 99, 41, 51, 61, 85, 95, एनी नंबर। ओके, देन द वे व्हाट विल बी चेंज, बोथ दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल। सो व्हाट वी आर टेकिंग, वी आर टेकिंग इन द टर्म्स लाइक 10x+y। वेन एवर टू डिजिट नंबर्स कम, देन हाउ वी टेक 10x+y, मीन्स 85। इफ आई से 85 मीन्स 80+5, इट मीन्स 8×10+5, इट मीन्स 10x+y, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 5, सिंपल, राइट? सो दिस इज द प्रोसीजर टू राइट टू डिजिट नंबर व्हेन वी राइट इन अ वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी। कोई भी नंबर आए, दो डिजिट नंबर है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है 10x+y। क्यों? क्योंकि उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, व्हाट इज 10x+y के तरीके से अब हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे कि पहले मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन से चालू कर रही हूँ। इन अ टू डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट। ठीक है, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट। तो यूनिट को क्या ले लो अपन, यूनिट को अगर मैंने एक्स ले लिया तो टेंथ को क्या लेना पड़ेगा मेरे को? वाई। तो यूनिट डिजिट कैसा है? ट्वाइस द टेंथ डिजिट। क्लियर हो गया? ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2y। आगे क्या बोलता है, आगे लिखिए उसके बाद। ठीक है, इफ 27 इज एडेड टू अ नंबर द डिजिट इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस। इफ 27 इज एडेड टू अ नंबर, कोई नंबर पे अगर मैं 27 ऐड कर दूं तो डिजिट इंटरचेंज हो गया। मतलब जैसे 25 है तो उसमें मैंने 27, फॉर एग्जांपल है ना, मान लो मैंने उसमें 27 ऐड कर दिया तो इंटरचेंज हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसे कहने का मतलब ऐसा हो जाएगा। तो मेरे को वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाना है, इसका मतलब टेंस प्लेस में वाई यानी मेरा नंबर क्या बना, मेरा नंबर क्या हो गया, नंबर क्या हुआ मेरा 10y+x। ये नंबर है 10y+1, नंबर है। अब इस नंबर पे, अगर हम इस नंबर पे ऐड कर दे 27, इफ यू ऐड 27 द नंबर्स इंटरचेंज हो जाती है, यानी नंबर ऑपरेट इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब टेंस डिजिट यूनिट्स में चला जाएगा, यूनिट डिजिट्स टेंस पे चला जाएगा। मतलब अगर 25 है तो वो 52 हो जाएगा। तो चेंज हो गया ना, यूनिट टेंस पे आ गया और टेंस
आपका यूनिट पे चला गया, तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो इंटरचेंज हो जाएगा यानी नंबर क्या है मेरा, 10y प्लस एक्स प्लस 27 इक्वल टू, अब x y की जगह चला गया, y x पे आ गया, यानी क्या हो जाएगा बताइए, 10x प्लस y हो गया, ये 10x प्लस y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर हम एक साइड ले जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, 9y माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं x माइनस या y माइनस x, जैसा भी आप लोग कर लो, है ना, y माइनस x प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास एक टर्म मिल गया y माइनस x इक्वल टू, मतलब दो इक्वेशन आ गए मेरे पास, एक इक्वेशन मेरा ये आ गया, दूसरा इक्वेशन मेरे पास ये आ गया। एक इक्वेशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2y है, दूसरी इक्वेशन क्या आ गया मेरा, y माइनस x प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको x और y निकालने ना, आपको तो नंबर निकालने, वी हैव टू फाइंड द नंबर, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन नाउ हियर यू कैन इजीली यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज x इज इक्वल टू 2y गिवन, सो व्हाट यू विल राइट, y माइनस 2y प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, एक मिनट, y x की जगह हम लिखेंगे 2y, x 27 कहाँ से आ जाएगा भाई, ये 3 से डिवाइड हो गया ना, ओके ये 3 से डिवाइड हो गया ना, 3 हो गया, तो कितना आ गया ये 3, मीन्स क्या मिल गया हमको, माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी वाई इक्वल टू 3 हो गया, वाई इक्वल टू 3 हो गई। ठीक, अब वाई इक्वल टू 3 हो गई तो मेरा x क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे, यानी x क्या हो गया मेरा 6, x हो गया मेरा 6, y हो गया मेरा 3, मेरा नंबर क्या हो गया भाई, मेरा नंबर क्या बन रहा है, क्या था मेरा 10y प्लस x, क्या हो गया 10 इंटू y, y कितना हो गया भाई 3 प्लस 6 कितना हो गया मेरा 36। ठीक है, अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, आपको क्या बोला है, नंबर पे अगर 27 ऐड कर दो तो नंबर डिजिट हो चेंज है, चलो देखो 36 में अगर मैंने 27 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 13 का 3 16, लो आ गया 63, कैलकुलेट चेक भी कर लिया हमने, ये लिखा है ना यहाँ पे, अगर नंबर पे हमने 27 ऐड किया तो नंबर इंटरचेंज होना जाना चाहिए, तो मेरा नंबर आया 36, अब देखो 36 में मैंने 27 ऐड किया कितना आया 63, उल्टा हो गया नंबर 3663, यही तो क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि अगर यूनिट प्लेस ट्वाइस ए टेंस प्लेस का, तो एक ये वेरिएबल दे दिया, दूसरा क्या दिया, अगर का नंबर में मैंने 27 ऐड किया तो वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो मेरे पास अब ये दो इक्वेशन आ गए हैं, दो इक्वेशन से मेरे को सॉल्व करना है, आइए जब हमने देखा तो ये सब्स्टिट्यूशन से इजी गोइंगली बना, तो हमने सब्स्टिट्यूशन से इसको बना दिया। ठीक है, ये आ गया बेस्ड ऑन नंबर, अभी हम दो तीन क्वेश्चन करेंगे ना, एक दो से एक से कुछ नहीं होने वाला आप लोग का। ठीक है, सो वॉट इज दिस, ये हो गया एक क्वेश्चन, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई थिंक कोई बहुत टफ चीज़ तो नहीं बताया है मैंने, बहुत ईजीली बताया है और बहुत आराम से बताया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या आ गया, एक अच्छा सा क्वेश्चन और उठाते हैं। ठीक, अब देखो हर क्वेश्चन में आप पैटर्न चेक करिएगा, है ना, पैटर्न शुड बी डिफरेंट, ओके, तो पैटर्न कैसा आएगा देखो, हर क्वेश्चन में ना एक एक लाइन का मीनिंग होता है, तो उस मीनिंग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ अ डिजिट इज 121, मतलब सम ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, कोई दो डिजिट नंबर है, ठीक है, एंड द नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जैसे अभी हमने किया, मतलब 36 और 63 को ऐड कर दो तो क्या मिलना चाहिए 121, एक एग्जाम्पल है भाई, मतलब एक नंबर उस नंबर का उल्टा कर दो तो दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलना चाहिए 121। दूसरा क्या दिया उसके बाद, एंड द टू डिजिट्स डिफर बाय 3, दोनों डिजिट आपस में, मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस किस में डिफर करते हैं, 3 से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, ये नहीं बताया बड़ा क्या है, यूनिट प्लेस बड़ा भाई 36 भी हो सकता है 63 भी हो सकता है, माइनस करोगे तो हो सकता है ना,
25 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, तो आंसर में क्या डिफरेंस आएगा, या तो वो प्लस 3 होगा या तो माइनस 3 होगा। अब यहाँ पे आ गए हम फंस गए, मतलब हमको दोनों केस कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो पहला क्या क्वेश्चन आया हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा आसान है पहला, कि एक नंबर है, नंबर क्या हुआ मेरे पास 10y प्लस x, यानी x यूनिट डिजिट हो गया, y आपका 10 नंबर उल्टा हो गया, रिवर्स कर दो तो कितना हो जाएगा 10x प्लस y, राइट। अब दोनों का पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, दोनों को ऐड करो तो क्या आ गया मेरे पास बताइए, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 121, यही बोला है, ठीक। अब ऐड कर लीजिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 121, मेरे ख्याल से 121 डिवाइड किया तो x प्लस y इक्वल टू 11 आ गया, अगर हमने इसको 11 से डिवाइड कर दिया है तो ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन, हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड द टू डिजिट डिफर बाय 3, यानी मुझे नहीं मालूम, यानी x माइनस y इक्वल टू प्लस माइनस 3 ले लेती हूँ मैं, y प्लस माइनस 3 बताइए, हाँ क्यों प्लस माइनस 3, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर 25 है तो 2 माइनस 5 करोगे तो माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 होगा 52 होगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 में 3 आ जाएगा, तो भाई मेरे को कैसे पता, क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया है कि यूनिट प्लेस बड़ा रहेगा कि टेंस प्लेस बड़ा रहेगा, तो हमको दोनों लेना पड़ेगा, तो मेरे दो इक्वेशन बन गए, क्या बन जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 11 एंड x माइनस y इक्वल टू 3, एक इससे बनाइए, दूसरा x प्लस y इक्वल टू 11 एंड x माइनस y इक्वल टू माइनस 3, ओके सॉल्व बाय टेकिंग बोथ द केसेस, ओके। तो अब यहाँ पे तो बड़ा आसान है, y टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम तो क्या करें डायरेक्ट हमारा एलिमिनेट हो जा रहा, भाई ये दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, क्या मिल गया 2x इज इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7 आ गया, x की वैल्यू को पुट कर दो, 7 प्लस y इक्वल टू 11, y इक्वल टू 4 आ गया, y इक्वल टू 4 यही आ रहा है क्या भाई, चलो चेक कर लेते हैं वैल्यूज भी, यस 7 एंड 4 कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर आते हैं भाई, इसमें भी कर लो, ठीक ऐड कर दो यहाँ पे भी, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई, 11 माइनस 3, 11 में आप 3 माइनस करो 8 हो गया, ठीक है तो x कितना आ गया मेरा 4 हो गया, y कितना आएगा, x की वैल्यू 4 हो गई तो y कितना हो गया मेरा 7, वही तो टर्म आ गया, देखो क्या क्या नंबर आ रहा है, एक बार आ रहा है, हम पुट करेंगे देखो 10x प्लस 10y प्लस x, ओके 10y प्लस x कितना आ गया 10 इंटू 4 प्लस 7 कितना आ गया 47, यहाँ पे पुट करिए कितना आ गया 10 इंटू 7 प्लस 4 74, 70 प्लस 4 दैट इज 74 आ गया नंबर, देखो 47 और 74 रिवर्स हो गया सेम नंबर्स, ठीक है द नंबर विल बी आइदर 74 या 47, देखिए प्लस किया माइनस किया तो भी यही आ गया, क्लियर है, ठीक है बहुत आराम से। देखो ये क्वेश्चन देखने में क्या होता है ना, बहुत टफ लगता है, बड़े बड़े लोग, मैं आप तो 10th के स्टूडेंट्स हूँ, इवन दोज हु गो फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो लोगों को भी ये बहुत टफ लगता है, ठीक है उनको ये नंबर जब डिजिट्स चेंज होते हैं ये होते हैं, हर किसी को बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है, पर इतना कन्फ्यूजिंग होता नहीं, बस द वर्ड्स विच आर रिटन इन द क्वेश्चन शुड बी क्लियर टू यू, उसको समझिए अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं ताकि आपका टू डिजिट सम ऑफ टू डिजिट नंबर वाला जो प्रॉब्लम है आपका ये क्लियर हो जाए, फिर हम आएंगे बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस पे, ठीक है। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं थोड़ा सा मज़ेदार, भाई प्रैक्टिस किया करो, इसलिए मैं रोज 10th के वीडियोस नहीं डालती हूँ, अल्टरनेट 2-3 दिन में गैप करके डालती हूँ कि जो पढ़ाया है वो आप लोग को समझ में आ जाए और आप लोग उसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि छोटे बच्चे हो, यू आर नॉट इन 11th और 12th में तो रोज डालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग कर लेते हैं, बट आप लोग ऐसे नहीं हो, आप लोग छोटे हो, ओके छोटे नहीं हो बट आगे बढ़ गए हो,
ठीक है, आगे बढ़ गया मतलब अगले साल हमको 11th जाना है, बोर्ड के बाद आगे की तैयारी करनी है, तो हमको अपनी स्पीड बढ़ानी है और कोशिश हमें ये करनी है कि क्लास 10th हम दिसंबर तक कंप्लीट कर ले। दिसंबर बहुत ज़्यादा तो बोल दिया, सॉरी टू से, अक्टूबर बिफोर दुर्गा पूजा एंड दिवाली वी शुड कवर कंप्लीट आवर ऑल पूरा होल क्लास 10th कोर्स, देन ओनली यू कैन गेट थ्रू विद गुड मार्क्स, बिकॉज यू नीड 1 to 2 revisions ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ NCERT, ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में एक्सरसाइज मत समझा करो, जो उसके अनसॉल्व में दिए रहते हैं, सॉल्व दिए रहते हैं, उसको भी सॉल्व किया करो, ठीक है, हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन उठा दें, अ 2-digit number इज ऑप्टेंड बाय, सुनो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अ 2-digit number इज ऑप्टेंड आइदर बाय मल्टीप्लाइंग सम ऑफ अ डिजिट बाय 8, बाय मल्टीप्लाइंग सम ऑफ अ डिजिट, सम ऑफ अ डिजिट यानी नंबर नहीं बोल रहा है, ध्यान देंगे, नंबर नहीं बोल रहा है, 10y+1, सम ऑफ अ डिजिट, एक हो गया x, एक हो गया y, ठीक है, जो डिजिट्स वेरिएबल्स लेते हैं उसको क्या बोल रहा है, सम ऑफ अ डिजिट बाय 8 एंड एडिंग 1, ठीक है, मतलब क्या बोल दिया, मेरा नंबर क्या हो गया, पहले तो नंबर लिख लो हमेशा, 10y+x, ठीक, 2-digit number इज ऑप्टेंड बाय, कैसे ऑप्टेन हो रहा है, बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट बाय 8, ठीक है, एंड एडिंग वन, ठीक है, मतलब जो नंबर है ये वेरिएबल उनको ऐड कर दो और उसमें +1 डाल दो तो ये नंबर मिल जाएगा बोलता है, ठीक है, जो यूनिट और टेंस डिजिट को ऐड करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो तो नंबर मिल जाएगा। अभी तो मेरा ये एक इक्वेशन हुआ, सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, चेक करो, देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, और या तो ऐसे नंबर मिलेगा, और क्या बोलता है, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ अ डिजिट बाय 13, अगर दोनों डिजिट का डिफरेंस ले लो तो डिफरेंस ऑफ अ डिजिट बाय 13 एंड एडिंग 2, यानी 10y+x इज इक्वल टू 13 × x − y + 2, 13 × x − y या y − x, जैसे भी आपकी मर्जी ले लीजिए, अगर हमने y को टेंस लिखा है तो चलो y − x लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हम देख चुके हैं कि हमारा रिवर्स नंबर है वही नंबर पे आंसर आ जाता है, ठीक है, तो आ गया ये मेरा नंबर। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करो, पहले तो ये दो इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लो, ठीक, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, चलो पहला इक्वेशन क्या आएगा भाई, 10y + x − 8x − 8y = 1, कितना बन गया भाई, 8 10 2y − 7x = 1, 2y − 7x = 1, हो गया। दूसरा क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको करो, 10y + x = या इधर ले आओ, −13y + 13x = 2, 10y − 13 यानी −3y, 13 + 1 14x = 2, मेरे दो इक्वेशन बन गए, क्या बन गया मेरा, देखो ये 2y, या तो x को पहले लेना तो पहले x लिखो, 7x + 2y = 1 एंड 14x − 3y = 7, ये इक्वेशन 1, पहले ही हमारा ऑलरेडी इक्वेशन 1 ये था, ये 2 हुआ, उसको सिंप्लीफाई करने पे ये मेरे को 3 और ये 4 मिल गया, ठीक, बहुत आसान है, सिंपल दिख रहा है, ये 14 ये 7 हटाओ, क्या करो, और साइन यहाँ माइनस है तो 4 + 2 × 3 कर दो, अपने आप आ गया, कितना आ गया, 2 करोगे तो −14x + 4y = 2, और ये आ गया 14x − 3y = 7, कितना आ गया भाई, ऐड कर रहे हो इसको तो आप, तो 4 माइनस ये हो गया y, माइनस आनस तो नहीं था ना भाई, कितना आ गया y की वैल्यू 9 आ गया, अगर y की वैल्यू 9 आ गई तो यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा, −7x + 9 = 18 = 1, −7x = इधर कितना आ जाएगा, ये तो नंबर गड़बड़ आ जाएगा, x तो नहीं आएगा ऐसे में, हाँ
एक मिनट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 आ रही है, अपनी कितनी आ गई? 9 कैसे आ गई भाई? देखा, ये गड़बड़ी है ना, हमने 2 लिया था या 7 बना दिया ना भाई, थोड़ा देखते रहे या करिए। ये आ गया 2, तो ये हो गया मेरा 2, तो ये हो गया मेरा 4। ठीक है, देखो अपने आप पता लग गया मैंने गलती लिखी थी, यहाँ पे 2 था, यहाँ 7 लिख दिया ना, तो अपने आप जब आप कॉन्सेप्ट के साथ बनाओगे ना तो आप कहीं फंस जाओगे। क्योंकि क्यों फंसा, देखो फंसा भी क्यों ये बताओ, क्योंकि आंसर कितना आ रहा था, 17/7। ऐसा तो नंबर होता नहीं है, पॉइंट में तो हमने लेना नहीं है, तो पॉइंट में अगर नंबर होगा तो हम उसको इंटरचेंज कैसे करेंगे। फंस गए यहाँ पे, तुरंत मैंने क्रॉस चेक किया, कहाँ गड़बड़ लिखा, कहाँ गड़बड़ लिखा, अपने आप पकड़ा गया, 2 था ये, 7 हो गया, 7 हो गया, आंसर आ गया 4। जब वाई की वैल्यू 4 आ गई तो कितना मिल जाएगा भाई मेरे को, -7x + 4, y की वैल्यू 4 तो हो गया 8 = 1, यानी क्या आ गया, -7x = -7, x = 1। ला हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो नंबर क्या बन गया मेरा बताओ, क्या बन गया मेरा नंबर, ये था ना, कितना हो गया, 10 × 4 + 1, दैट इज 41। ओके, आई एम गेटिंग 41। क्लियर है? मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, बड़े आराम से प्यार से क्वेश्चन को पहले समझो। अगर आपने ये दो इक्वेशन फॉर्म कर लिया तो गलती की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे अगर सिली मिस्टेक ना किया जाए तो। ये बहुत कॉमन एरर है, ये बहुत अच्छा कॉमन एरर है। पहली बात तो सबसे बड़ा कॉमन एरर क्या है, व्हेनेवर यू सी इन अ क्वेश्चन पेपर इट्स रिटन टू यू आर राइट 7, ओके द नंबर इज इटसेल्फ यू राइट रॉन्ग, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कॉमन, ये इसे कहते हैं ह्यूमन एरर, व्हाट वी कॉल इट, अ ह्यूमन एरर, है ना, एक्साइटमेंट एरर, और आइदर एक्साइटमेंट एरर। तो वो गलतियां मत करिए, है ना, जैसा भी अचानक से मैंने किया था वो कॉमन एरर है, एक्साइटमेंट एरर है, तो ये काम मत करिए, है ना। अब आते हैं अपन नेक्स्ट केस में, क्या था, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन यानी क्या होता है, P/Q, फ्रैक्शन यानी क्या हो गया, अपना हो गया P, ये हो गया Q, P को हम कहते हैं न्यूमरेटर, Q को कहते हैं अपन डिनोमिनेटर। ठीक, अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी। अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में 5 माइनस कर दिया जाए तो बन जाएगा नंबर 4/5। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर में माइनस कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में ये कर दिया जाए, सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, बहुत ईजी रहते हैं। मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करा देती हूँ। लिखिए, अब फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, फ्रैक्शन कैसा है, 4/5, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया, इसको डिनोमिनेटर ले लिए, न्यूमरेटर भी x, डिनोमिनेटर भी y, तो न्यूमरेटर में अगर मैंने 1 ऐड किया है और डिनोमिनेटर में भी मैंने 1 ऐड किया है तो फ्रैक्शन क्या हो जाना चाहिए, 4/5। लो, बन गया एक इक्वेशन, बन गया, ले लो, 5 × x + 1 = 4 × y + 1, कितना हो गया, 5x - 4y = 5, यहाँ आ गया 4, तो आ गया -1, हो गया, ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला यहाँ तक पहुँचे, अब आगे पहुँचते, क्या आ गया भाई आगे, हाँ, if however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes half. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 माइनस कर दिया, x - 5 and y - 5, तो डिनोमिनेटर हाफ हो जाएगा, तो 2 × x - 5 = y - 5, कितना आ गया, 2x - 10 = y - 5, यानी 2x - y = 5, ये बन गया ले मेरा दूसरा इक्वेशन, 5x - 4y = -1 एंड 2x - 5y = 5। ओके, अब देखिए आपके पास बहुत अच्छा तो होता, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही प्रेफर कीजिए, फटाफट आंसर आते हैं। ठीक है, बट क्लास 10th में क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंसल्ड है तो हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शंस बचते नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो 5x - 4y = -1, अब ये y है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, चलो देखो 4 से करूँगी तो 8x - 4y = किसे 4 से किया ना, 5 × 4 = 20, माइनस कर दो क्योंकि दोनों माइनस साइन था, तो कितना आ गया देखो -3x = -21, x = 7 आ गया, x = 7। ठीक, x कितना आ गया, 7। ठीक है, y के बारे में चेक कर रहे, x 7 आ गया, पुट कर लो x 7, 7 × 2 = 14,
14 इधर आ गया, 14 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 5 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा भाई, 14 माइनस 5 9, हाँ y आ गई 9। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 9। चलो अब एक क्वेश्चन अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर लेते जो इजी पड़ता है। क्या आ गया देखो, 5x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, जैसे आप NTSC देते हो, ये देते हो, तब क्वेश्चंस आते हैं, तब इतने लंबे मेथड नहीं करते, तब हम ये उठाते हैं। तब हमारा क्या आ गया बताओ, x की वैल्यू क्या बताया था मैंने, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस, तो कितना आएगा देखो, माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू y। ठीक है, इक्वल टू y, y में क्या होता है आपका, ये हट जाता है, ये और ये रहेगा, है ना, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, माइनस y रहता है क्या। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस ऑफ माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, तो x के नीचे कितना आ गया, 20 21। y के नीचे कितना आ रहा है, माइनस 25, 5 5 25। ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 25 प्लस 2 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो गया, y की वैल्यू लिया ना 5 और माइनस 5 माइनस 2 इंटू 1, 25 माइनस 2 कितना आ जा रहा है यहाँ पे, प्लस 2 आना चाहिए, 5 माइनस, हाँ माइनस y है ना, यस यस, माइनस 25 माइनस 2 माइनस y है, तो माइनस 27 हो गया इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 5 और ये क्या गया, 4 2 8 यानी माइनस 5 और कितना आ रहा है यहाँ पे, c में क्या आएगा, 5 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 8 माइनस 5 3 1 बाई 3 आ गया। ठीक है, तो देख लो x आ गया आपका 21/3 विच इज इक्वल टू 7, y कितना आ गया, 27/3 विच इज इक्वल टू 9, ऐसे भी आ गया। तो ये आपको ज़्यादा इजी पड़ता है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉर्मल टेंथ के हिसाब से तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑमिट है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू यूज़ दिस मेथड ओनली। ओके, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है इतना क्वेश्चंस, बल्कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन में ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, नंबर में ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में ये कर दिया, तो ये बन गया वो बन गया, इस तरीके से बस। ठीक है, इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आज हमने दो कर लिया, बेस्ड ऑन नंबर एंड बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, पहले आप ये दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एक्चुअली एनसीईआरटी में कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, मतलब नंबर भी दे दिया है आपको, एलिमिनेशन मेथड में एक नंबर का क्वेश्चन दे दिया है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक नंबर का क्वेश्चन दे दिया है, फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिया है, तो सारे वैसे क्वेश्चंस को आप कलेक्ट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर हम दूसरे मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत ईजिली कूलली सॉल्व कीजिए, एंड और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड एंजॉय विद डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।